दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बीएड फर्स्ट ईयर यहाँ का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको फिलहाल वेबसाइट पर आ गए हो। आने के बाद यहाँ पर आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर 22 से 24 यहाँ पर उसका एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो गया, लिंक एक्टिव हो गया। तो बताएंगे इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी किस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ये डिटेल्स बता देते हैं कितना आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फी लग रहा है, कितना फी पेमेंट करनी है। तो बीएड बात करें फर्स्ट ईयर 22 से 24 वाले को यहाँ पे फॉर्म फिलअप बढ़ा रहा है, हो रहा है अभी 10 जुलाई तक यहाँ पे कर सकते हो बिना लेट फाइन के। और उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको लेट फाइन दोस्तों यहाँ पर लगेगा 10 जुलाई के बाद, अगर करते हो 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 500 रुपया लेट फाइन लगेगा। कितना तो ध्यान दो यहाँ पर, बिना विलंब शुल्क के आप सभी जनरल बी सी टू कैंडिडेट चार्ज है 320 रुपया और बी सी यू एस एस टी कैंडिडेट्स को 2340 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन देख पर हमें डाल दिया है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ पढ़ सकता है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट करके अपना सवाल भी पूछ सकते हो। दोस्तों ये आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के यहाँ पर एग्जामिनेशन पोर्टल PPUPonline.in पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे एग्ज़ाम फॉर्म, दोस्तों देख पर आप एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बीएड फर्स्ट ईयर यहाँ का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको फिलहाल वेबसाइट पर आ गए हो। आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च स्टूडेंट्स में सर्च कर लेना अपना एग्जाम टाइप, अपना एग्जाम टाइप यहाँ पे चूज़ करोगे आपका क्या है, बीएड रेगुलर हैं या एक्सीडेंट हैं या प्रमोटेड हैं। तो मान लीजिए अगर आप दोस्तों रेगुलर हैं तो रेगुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कोर्स पे दोस्तों आपको यहाँ पर देख पा रहे हो डायरेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर चूज़ करेंगे और सर्च करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए वो डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा आपको ये बात है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप में है, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपको रजिस्ट्रेशन का स्लिप मिला है ऑनलाइन, उस रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है या रजिस्ट्रेशन कार्ड उसको आपका हो ठीक है उसमें देखो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो यहाँ पर डालेंगे फादर या मदर नेम और एक ऑप्शन डाल के सर्च पे क्लिक करोगे। और जो मान लीजिए अगर अगर फेल है या जो एग्ज़ाम छूट गया था नहीं दे पाए थे तो आप फेल कैटेगरी में आ गए या आप एक्स स्टूडेंट हैं यहाँ पर, आप इसमें दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना कोर्स यहाँ पर चूज़ करोगे। देखो आप फेल हैं, आप एग्ज़ाम दिया है तो आपको यहाँ पर रॉयल नंबर से सर्च करना होगा, रॉयल नंबर आपने प्रीवियस एग्जाम दिया एडमिट कार्ड उसमें मिल जाएगा देखने को, उसे सर्च करनी है। वही दोस्तों बात करें जो प्रमोटेड है, जिनको पे किसी पेपर्स में प्रमोट हो गए हैं अगर ये बैक लग गया है तो दोस्तों उनके लिए हर तीसरा ऑप्शन पे वो चूज़ करेंगे, कोर्स यहाँ चूज़ करेंगे, आपके पास रोल नंबर है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसी रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, फादर या मदर नेम और कैप्चर आके सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे हाइड कर दिया, आप देख नहीं पाओगे ठीक है। देखो आपको यहाँ पे सर्च के रिजल्ट में आपको अपना नाम, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपने डाला है वो, आपका रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आपने एक टाइप का एग्ज़ाम है फॉर्म टाइप, यानी आपका एग्ज़ाम टाइप रेगुलर है या बीएड का, ये एक्स स्टूडेंट है, फेल नहीं है, प्रमोटेड देखने को मिलेगा और कोर्स बीएड फर्स्ट ईयर यहाँ बॉक्स पर क्लिक कर देना और ब्लू बटन को दबा देना प्रोसीड एग्जामिनेशन फॉर्म को। आप फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्लास का रोल नंबर पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप अपने आपने जहाँ क्लास करते हैं अपने कॉलेज में, आपको उस कॉलेज से अपने रोल नंबर मिल जाएगा, रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे क्लास रोल नंबर और उस यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, बाकी सारी डिटेल्स पहले से डाला हुआ है ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में देखो ईयर ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं ठीक है, मंथ ऐसे उसको चूज़ कर सकते हैं, मंथ चूज़ करके अपना डेट ऑफ यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब जेंडर तो आपको अगर मेल है मेल चूज़ करेंगे, फीमेल अथवा ट्रांसजेंडर अगर है तो। अब कैटेगरी देखो यहाँ पर आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कास्ट कैटेगरी वो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, और सब कैटेगरी अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स ऑप्शन चूज़ करना सब कैटेगरी का, अगर बॉयज़ अगर हैं आप इसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो चूज़ करना, नहीं अगर किसी कैटेगरी से बॉयज़ बिलोंग करते हैं तो वो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बॉयज़ वाले। अब नेशनलिटी यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, आपको जो भी नेशनलिटी इंडियन है, एनआरआई है, बीच वाला ऑप्शन भी अदर है। फिर डोमेसाइल स्टेट किस स्टेट से रहने वाले हैं ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र आवासीय कहाँ का आपका बना हुआ किस स्टेट का रहते हैं तो वो चूज़ करेंगे। उसके ऊपर आपको उसको रिलीजन आपका क्या हुआ वो डालेंगे, आप एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर ध्यान दाल से डालना, ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा और मीडियम। अब देखो अब एग्ज़ाम आपको बीएड का इंग्लिश में देते हो यानी रोमन स्क्रिप्ट में देते हो तो इस पर जो ऑप्शन चूज़ करोगे, अब एग्ज़ाम आपको हिंदी में देते हो नहीं देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं तो ये ऑप्शन हिंदी ऑप्शन चूज़ करना है ठीक है, अपना चूज़ कर लेना। बट ध्यान रखिए जिनका इंग्लिश अच्छा हो इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो मार्क्स अच्छा उठेगा, तो मैं कहूँगा इंग्लिश वाले इंग्लिश में एग्जाम देना, मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी में एग्जाम देंगे। आधार नंबर यहाँ पर चूज़ करेंगे। अब पेपर्स कैसे कौन से चूज़ करने वो बताते हैं। अब तो ध्यान दीजिए आपको पेपर कौन सा चूज़ करना है, तो बीएड फर्स्ट ईयर में देखो आपको यहाँ पर पेपर 101 दोस्तों कोड हो गया, यहाँ पर आपका चाइल्ड हुड ग्रोइंग अप का, 102 कंटिन्यूटी एंड एजुकेशन चूज़ करेंगे, 103 लर्निंग एंड टीचिंग, 104 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, आपको पेपर कोड चूज़ करना है, पेपर नाम सेलेक्ट कर लेनी है, 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, 106 जेंडर स्कूल सोसाइटी और 107A आपका पेडागॉजी होगा जो भी आपने लिया है फर्स्ट ईयर में वो होगा, और EPC 1 दोस्तों EPC 2 EPC 3 ये EPC का तो एग्ज़ाम्स आपका कॉलेजेस में होगा,
कॉलेज में सेंटर पड़ेगा खुद अपने कॉलेज में, और 1 to 7 ए का एग्ज़ाम दोस्तों होगा ये बाहर होगा, एक्सटर्नल पड़ेगा सेंटर। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का पेपर्स आप उसी तरह चूज़ कर लेंगे, करने चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे 20 KB से कम, चूज़ फाइल पे क्लिक करके, फिर ये कैप्चर डालेंगे और सेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जिस पर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। आपने फॉर्म भरा, अब नेक्स्ट स्टेप है आपको यहाँ पे एग्जाम फीस फॉर्म का पेमेंट करना है। तो अब दोस्तों आपको वापस से फिर से बैक आ जाने, इसी पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर देखोगे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म का, आपको इस री पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है दोस्तों। वैसे आप फॉर्म भरिएगा तो उसके बाद ही पेमेंट का पोर्टल वहाँ से खुल जाएगा, किसी कारणवश बाद में करना चाहो तो बाद में भी आप कर सकते हो दोस्तों। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर चाहिए, तो फॉर्म नंबर कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे नीचे न्यू फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस न्यू फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना कॉलेज चूज़ करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे कॉलेज है बीएड का, देखो दोस्तों कॉलेज यहाँ पे बीएड का आप कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, आप यहाँ पे बीएड का कॉलेज यहाँ पे चूज़ कर लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद उसके बात करें आपका जो कोर्स है वो कोर्स यहाँ पे चूज़ करेंगे बीएड, यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर चूज़ करना है, बीएड ईयर वन। जेंडर चूज़ कर लो आपको जो भी जेंडर है, कैंडिडेट नाम अपना नाम डालिएगा और एक कैप्चर लगा के सच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना फॉर्म नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें फिर रीपेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, दोस्तों इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे फॉर्म नंबर जो डालेंगे 21 के बाद जो भी नंबर होगा 0 को इंक्लूड भी करके डालना है, ये डेट ऑफ बर्थ कैप्चर के सच पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे पेमेंट का पोर्टल यहाँ पे खुल जाता है, पेमेंट आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे वॉलेट से कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद यहाँ से पेमेंट का रिसिप्ट भी आप प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें नीचे आइए, आपको पेमेंट जो किया एग्जाम फॉर्म को पेमेंट प्रिंट करना है, तो एग्जाम फॉर्म निकालने के लिए आपको फॉर्म नंबर चाहिए, वही फॉर्म नंबर शुरू अगर हो रहा हो 22 है तो उसके बाद का जो नंबर है वो डालेंगे, देख पा रहे हो विदाउट लीडिंग 0 यहाँ पे, ठीक है ओके। फिर दोस्तों इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा जाके सर्च पे क्लिक कर आपको कलरफुल फॉर्म नंबर देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कलरफुल होगा, तो उस फॉर्म को उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और पेमेंट जो रिसिप्ट होगा उसका, उसमें आपको क्या क्या करना है ये सुनिए, तो उसमें आपको सिग्नेचर करना है इंग्लिश और हिंदी में, आप चेक कर लीजिएगा अपना डिटेल सही है या नहीं, अपना फोटो आप सिग्नेचर सब उसमें पहले से लगा हुआ मिलेगा, अभी भरेंगे तो अच्छी बात है भर लीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो उस पर भरने में प्रॉब्लम आती है, कभी फोटो नहीं शो करेगा कभी कुछ। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर भरने के बाद आपको उसमें साइन कराना होगा, कॉलेज में जाके अपने कॉलेज स्टैम्प साइन को कॉलेज वाला साइन कर देंगे एचओडी, फिर वहाँ जाकर दोस्तों वहीं पे कॉलेज में उसको जमा कर देंगे। उसके साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपको जमा करने होंगे उसके साथ बात करें, बेसिकली बस वही दोस्तों जमा कर देंगे उसके साथ आपको, बाय द वे आप ये सभी कॉलेज पे डिपेंड करता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, पर बेसिकली आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरे हैं वो और उसके साथ आपका ये जो पेमेंट रिसिप्ट है ये इसको अपने कॉलेज जाके जमा कर देंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, बात करें दोस्तों यहाँ पर बीएड यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरने का पाटलू से पटना की तरफ से। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा रैट अप्लाई करने का, जिस लिंक पर क्लिक करके रैट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना जरूर। तो ये थी आज की अपडेट, किन्हीं को डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक करिए, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।